खाद्य और औषधि प्रशासन के कार्यों की समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला खाद्य व औषधि प्रशासन के अधिकारी और गठित कमेटी के मेंबर मौजूद रहे। बैठक में CDO ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्तापूर्वक जाँच के निर्देश दिए, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। जब उसने भी डंप करके रखा लाके और अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? आप से दूर होते हैं तो उसका नुकसान करता है। अब क्या हुआ, आपने उसको एलोकेट कर दिया। अब पर्टिकुलर ए बंदे को मिला, जहां तो उसने खा लिया, खुद उसको डेफिशिएंसी होगी, जहां उसने क्या किया, बाजार में लाके बेच दिया। वो चावल जा जो वो जो आपका वीट है, वो घूमते घूमते एक रिच बंदे की प्लेट पे गया, क्योंकि वो मार्केट में आ गए, उसने उसको बेच दिया, उसको तो फ्री में मिल रहा था या 2 रुपए 1 रुपए में मिल रहा था, वो आपकी प्लेट में भी आ जाएगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो। मतलब ये साइकिल जो है ना, नेचर में इसको समझा जाए, जब हम अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करते, हम अपने लिए भी खतरा पैदा करते हैं, उसका हमें समझ नहीं आता। सुबह 9 बजे से यहाँ काम कर रहा, ड्यूटी करेंगे, जो काम दिया है उन्होंने, ये सिखा रहा है सिस्टम तब इम्प्रूव होगा। एक PM CDO के पहले विभाग में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। ICDSN वहाँ बच्चों का केयर किया जाता है, आपको इसको इनके साथ आइए करना है, इन विभाग में आपस में संवाद मिलकर करना है। स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी बनाइए और स्ट्रीट वेंडर्स को हर तरह से सेंसिटाइज करिए, कैंप लगवा के SDF सदस्य सबका कोरोना टेस्ट करें। अगर उसको होता है तो वो पता नहीं कितनों को देगा, उस लिए होगा सबको। तो सारे वेंडर्स को प्रसुएशन करिए, टेस्ट करिए। उसमें एक और भी आता है कि जैसे आप लोग फ्रूट्स जितने हम खा रहे हैं, फ्रूट्स वैसे कम खाते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स खा रहे हैं उसको जो पकाया जा रहा है, अगर तो आप इथाइलिन का एक पाउच यूज कर रहे हो, दैट इज साइंटिफिक, लेकिन अगर कैल्शियम कार्बाइड यूज हो रही है तो बहुत खतरनाक। तो इसकी भी अवेयरनेस दीजिए कि ये पूरा कैंसर का कॉज है और कैंसर इतना प्रेवलेंट है, हम हमें कोविड में पता लग रहा है, क्योंकि हम जब उसके पेशेंट की स्टडी करते हैं तो पता लगता है कितने कैंसर के पेशेंट हैं। आया कहाँ से, फूड चेन से, तो किचन गार्डन को इंकरेज करिए। किचन गार्डन के करने से क्या फायदा होगा, जिसके पास भी छोटा किचन गार्डन है उसको लगाइए, उसका फायदा क्या होगा, सब्जी के रेट बैलेंस रहे, डिमांड और सप्लाई का गेम, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर सारी चीज़ें होती है, पकड़ो अभी उसमें इंजेक्शन लाओ, अभी दवाई छिड़को और अभी मार्केट में भेजो, क्योंकि रेट अच्छा मिलेगा। यही हो लौकी की सब्जी है, आप लोग उसको पता नहीं क्या कहते हैं, आपने देखा कि छोटा सा है, लेकिन इसको अगर बड़ा कर देंगे, इधर इंजेक्शन लगाया उसको इतना बड़ा कर दिया, मार्केट में दे दिया, ऑक्सीटॉक्सिन लगाया। मीटिंग हमें सिस्टम के लिए अपने लिए भी देखना है, हमारे परिवार भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ डिग्री में प्रभावित होते हैं। जो फूड आपके डाइनिंग टेबल में आपके टेबल में आ रहा है, उसकी क्वालिटी को जरूर देखिए, डिमांड करिए। एक है, जब तक हम लोग मार्केट से डिमांड नहीं करेंगे, दुकानदार से डिमांड नहीं करेंगे, तब वो अपनी क्वालिटी इम्प्रूव भी नहीं करेगा।